कहल जला कि दिल में अरमान और खुद पर विश्वास रहता दुनिया के हर मुकाम के पास सकल जला। आदरणीय श्रोता, ये रात्रिकालीन प्रहर में रह के कार्यक्रम प्यार के इतिहास में स्वागत बाटे हमार से टेक के, और इसने हमार आवाज आपके रेडियो शेर तक पुगा के साथ देवत पाना हम उनके प्राब्धिक दोस्त सूरज से। कबो कबो हमन के प्यार हमन से दूर हो जाला, और कबो कबो दूर के प्यार भी आपन बन जाला, लेकिन कबो कबो दूर के प्यार के आपन समझ के हमन के कहीं न कहीं कौनन कौनन मोर पर आपन प्यार के अपमान कर दिया जाला। आदरणीय श्रोता, आज इस दिन हमन के कुछ उलझन वाला प्यार के इतिहास वाचन कर जौन प्यार के इतिहास लिख के पढ़ेले बाना सिमन टोलवा बरगदवा से कविराज पठान जी। कवि जी के प्यार के इतिहास शुरू होत बा यहाँ से। कमाएला चल जइह पेट के सवाल बा, कहूं कमाएला चल जइह पेट के सवाल बा, सबसे जरूरी जग में रोटी औरी दाल बा, तू माटी ना छोड़ी हा जहवा जावा खड़ी आइल तोर पाँव रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव 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 रे। लंगते नहैला जवन पोखरा के पानी, आम के बगीचा अमरूद लीचियानी, लंगते नहैला जवन पोखरा के पानी, कैला पढ़ाई जौने टूटल स्कूलिया, रखी है याद अपना गांव के मंदिलिया, मस्जिद के वो बाजत बाजा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मस्जिद के वो बाजत बाजा, मस्जिद के वो बाजत बाजा, एक एक थाम रे, मत भूलैहा परदेसी अपन गाँव 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 रे।
हमार नाम कवि हटेक से हमार घर ई चिमन टोलोम बाटे। हमार नाम कविराज, भाई के नाम अभिराज और एक हमार बहनी बाना उनकर नाम रूबी हके टेक से। हमार के दुई जना दाजू भाई इठी बहनी है और आमा बुआ कह के पाँच जना के परिवार बाटे, बड़ा ही खुशहाल परिवार बाटे टेक से। और इसने हमार प्यार के इतिहास हमार पढ़ाई लग से शुरुआत बाटे। हम वहीं बरगदम पढ़त रहे टेक से। पढ़ते गए के बाद हमके वहीं अपन स्कूल के अपने क्लास के एक ठी सुनैना नाम के छौकी से प्रेम हो गए है, जौन इंडिया के रहना टेक से। सुनैना बहुत माया करते रहे उनके और इसने हमार परिवार हमके बहुत माया करते रहे और दुनिया में सबसे ज़्यादा हम माया अपन परिवार की करते रहे। बड़ा बढ़िया कि हमन की जिंदगी चलत रहे टेक से। चलते गए के क्रम में हमन के पढ़त लिखत आगे बढ़त के ले जा। बाबा भी पढ़त रहे, बहनी भी पढ़त रहे और इसने हम भी पढ़त रहे। पढ़ते गए के बाद उनकर से हमार माया प्रेम बहुत आगे बढ़ के ले टेक से। वो हमसे शादी करे तक के वादा के लेना और हम भी उनसे शादी करे के वादा के ले और टेक से। पढ़ते गले के बाद हमार पढ़ाई पूरा हो गई लाल और सुनैना के भी पढ़ाई पूरा हो गई लाल और हमन के बाऊ बहनी भी पढ़त रहना टेक से। और इसने पढ़ते गले के बाद एक दिन के बाद घर में हमार ब्याह के चर्चा चलत रहे टेक से। और हमार रामा बुआ कहे लगना, कभी ढेर पढ़ लिख भले ब्याह कैले तो देख ना घर हम बड़ी सांसद बाटी है और तू ब्याह कैले तो हमन की फुर्सत हो जाए और घर में एठो केहो काम करे वाला आशय। और टेक से हम अपन आमा बुआ के कोनो भी बात के मिना करे ना सकत रहे, कहे से कि हमारा आमा बुआ हमारे लिए सब कुछ बाना और अपन आमा बुआ के लिए जान भी हाजिर कर देते रहे। और इसने आमा बुआ के जन प्रस्ताव रहे ब्याह करे वाला, वो प्रस्ताव के हम स्वीकार कर रहे। लेकिन हम कहले हमारे ठीक आग्रह बाटे आमा बुआ कहना कथी कहना। और हम कहे हम अपने स्कूल के एक जना के प्रेम कर लिए, सुनैना नाम है उनकर। और आमा बुआ बड़ी खुशी भैना ये बात से और कहना उनकर घर में बातचीत करे और उनकर घर वाला भी राजी हो गए ना ब्याह के खातिर। और टेक से हमन के ब्याह बड़ी धूमधाम से भैल, पढ़ाई हमन के उत्सव मना के ब्याह कैले जा। ब्याह सम्पन्न होते पर में हमन के परिवार छः जन के हो गए। और टेक जी परिवार हमन के छः जन के हो गए। जिंदगी चलत रहे, जिंदगी चलती गले के बाद बहनी और बाऊ के भी पढ़ाई पूरा हो गए। और ठीक से इसने पढ़ाई पूरा भले के बाद बहनी सिलाई करत रहना और बाऊ घर ही रहत रहे और हम काम में जात रहिए और बुआ घर के काम देखत रहना, आमा भी घर के ही काम में बिजी रहना। ऐसने कह कि हमन के परिवार चलत रहे ठीक से। और इसने सुनैना भी ब्याह भले के बाद घर ही काम में बिजी रहना। जिंदगी चलते गले के बाद एक दिन की बात हो बहरिस कहीं से रिश्ता आयल हमार बहनी के हमार के घर में। और टेक से तत्काल हमार अम्मा बुआ कुछ बोले नहीं सकना, समझा कि हमार जो पूरे परिवार एकजुट हुई है तब एक विषय में बातचीत कर रहा जाए। और टेक से समझा भैल हम घर अलिए और अम्मा लगना कहे, कभी देख ना बहनी के बखरा एक रिश्ता आएल बा तोर। और हम कहे अरे बहनी के बखरा रिश्ता कहाँ के रिश्ता हो। और अम्मा कहना रिश्ता लामिक नहीं हो, नाते पाते नहीं कहो, बड़ा बढ़िया आदमी बाना सब। और बहनी कहना हम कभी ब्याह हुआ नहीं करेगा बाटी। और हम कहे कहे नहीं करेगा ब्याह, कहे नहीं करेगा बा। और ठीक से बहनी कहना अभी हम छोट बड़े अभी हम ब्याह नहीं करब। और हम कहे हमार ब्याह की बुद्धि हम छोट नहीं रह ली, लेकिन हमार ब्याह तो हो गए तो तोर ब्याह नहीं हुए। और ठीक से बहनी मायूस हो गए और लजा के भीतर चल गए। और हम कहे आमा बुआ तोहन के विचार गए बाटे। आमा बुआ कहना विचार तो बढ़िया बाटे, लमंडा बढ़िया बना, न गजेड़ी न भंगेड़ी, पढ़ल लिखल बना, समझदार बना और बढ़िया परिवार के सदस्य होना। और ठीक से आमा बुआ के बात पर हम राजी हो गई और लगले जा बहनी के ब्याह के तैयारी करे। और वह हमन के आमा बुआ जाके रिश्ता भी तय कर लेना और हमन के यार तैयारी में जुट गए रही जा। ठीक से बहनी के रोज दिन चिटकावत रहिए कि बहनी अब तो देखते तू हमन के छोड़ के चल जेबे। और बहनी कहे अरे दाजू
कैसे हम छोड़ के चल जाए, हम ब्याह नहीं करम और हम कहीं पकले। तोर नकाले से ब्याह नहीं हुए, इधर रिवाज बाटे समाज के जकि एक न एक दिन पूरा करे के पड़े। केहू घर से डोली विदा होला, केहू घर से डोली के स्वागत होला। केहू घर एक परिवार घटे ना तो केहू घर एक परिवार बढ़े ना। और बहनी कहलक अरे हाँ हाँ हमके ज़्यादा भाषण नहीं सिखाई पड़े। हाँ ठीक से हम कहा अरे पगले ब्याह कल बढ़िया तो देख हम ब्याह कही भेली। और बहनी कहलक दासू ब्याह कल बढ़िया हो लेकिन घर छोड़ल बढ़िया नहीं ना हो, तू ब्याह के लिए घर ही रहला। और हम कहले देख बहनी तू कहाँ कहूँ जाता रे, तू तो दिल में बाड़े हमन के पाकल, अपने आप के कबो कमजोर ना समझिए और ससुराल वालन के तंग भी ना करिए जैसे हमके तंग करे ले। हाँ ठीक सी बहनी कहलक फक ऐसा कहाँ हो सकला। और हम कहे हाँ ऐसा ना करिए बहनी। हाँ ठीक सी ऐसे मन की तैयारी में बिजी रह जा। और मन की तैयारी बड़ी बढ़िया चलत रहे। तैयारी चलते गले के बाद एक दिन की बात हो घर में सब सामान किनाए के लिए बहनी बखरा साड़ी, बहनी बखरा दुल्हन के चौड़ा और बहनी बखरा सब सोना चांदी के कारखाना तैयार हो गए। और ठीक सी ऐसे और भी तैयारी चलत रहे। तैयारी चलते गले के बाद बहनी के ब्याह के दो तीन दिन के जम्मा समय बाकी रहे। ठीक सी और ब्याह के तैयारी धूमधड़क के साथ होत रहे। और ठीक सी एक दिन हमन के संझक बैठले जा खाए। और खाते गले के बाद हम कहली खाना कौने पकेले बा। और बहनी खाना तोर बढ़िया। और हम कहली खाना कौन बढ़िया बाटे, बहनी तू बिहान से पकाइए ना। और बहनी कहलक हाँ अब हमारे विदाई होए वाला बाटे, हम ही घर जाए वाला बाटे तो हम खाना पकाए। अरे का भेल वही तो अब तोर हाथ से खाए के नहीं मिले पकले, इतना बहुत नहीं मनबे। और बहनी कहलक हमारे हाथ से खाए के बाटे तो हम वहीं से पठुआ देव खाना खाइए। और ठीक सी ऐसे मन के खाते खाते बहनी हम झगड़ा कैले हल जा। और बाबू तो एकदम शुद्धा ना हल्दे बोले ना हंसे, बस अपन दुनिया में मगन। और ठीक सी फैमिली में सबसे ज़्यादा हम अपन बहनी के माया करते रहें। बहनी हमार जान रहे ठीक सी वो बहनी के खातिर हम जमीन आसमान एक कर देते रही काम कैले में और शादी की तैयारी करे के लिए। और इसने तैयारी करते गले के बाद ब्याह के दो दिन भर बाकी बचल। और इसने संझा के टाइम रहा पहुना जुटल शुरू हो गए ना ठीक सी। और यार ब्याह के तैयारी चलत रहे। और इसने बहनी के भौजी बहनी के जोड़ाए लाल शादी के लगल बहनी के सधुआए। और बहनी जोड़ा साधे लागल कि हमके कैसन होत बाटे। और ठीक सी बहनी के हम देख ले लिया और कहलिए अरे बहनी अबे पर से अपन पिया घर जाए लगले का। और बहनी कहलक भक। और हम कहे हाँ हाँ तैयारी हो रहा बटे नहीं आ देखा थी बुढ़िया सब सिखा दी सबके। और ठीक सी बहनी लगल हाँ से कहते भक दाजू तू कितना मजाक करे ले। हम कहती बहनी अब तो जाइबे नहीं जाइबे नहीं रे करिए। और ठीक सी बहनी तो हाँ मारे आवत रहे। हम कहली बहनी अब न मार कैस कर कुछ दिन में चल जीवे तू नहीं। और ठीक सी ऐसे हंसी मजाक करते करते हमन के बहनी के चिढ़ाते गले जा। और बहनी चिढ़ते गए और बहनी के लगले हम चिटकाए ठीक सी कि बहनी अब अपन पिया घर से आए अब बहनी हमन के छोड़ दे अब देखा थी बहनी हमन के माया मोह तोड़ दे अब सही अपन पिया घर। बहनारी प्यारी प्यारी बहना ओ बहनारी प्यारी प्यारी बहना पिया घर जाएगी। बहनारी प्यारी प्यारी बहना पिया घर जाएगी। चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी। चमकेगी तेरी बिंदिया ये मेहंदी रंग लाएगी। My
फूलों की आई, कलियों ने ली अंगड़ाई, बहना की हुई सगाई, खुश है तेरा ये भाई। देखेगा सारा जमाना, खुशी की घड़ी आएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया, ये मेहंदी रंग लाएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया, ये मेहंदी रंग लाएगी। तुझको विदाई होगी तू पल में पराई, मुझको बेचैन करेगी बहना ये तेरी जुदाई। अखियां लुटाएंगी खजाना, ये झोली भर जाएगी, अखियां लुटाएंगी खजाना, ये झोली भर जाएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया, ये मेहंदी रंग लाएगी, चमकेगी तेरी बिंदिया, ये मेहंदी रंग लाएगी। इसने ठीक से ब्याह के दिन एकदम नजदीक आ गया और ब्याह के दिन बारात द्वारे पर आएला। बड़ा बढ़िया से हमन की बरादी के स्वागत कर ले सा। बराती के स्वागत करने के बाद हमन के ब्याह वाला कार्यक्रम शुरू हो गया टैक्सी, और इसने ब्याह चलते रहे टैक्सी, लेकिन हमार नज़र बहनी पर रहा टैक्सी। बहनी के आँख में हम बहुत आंसू देखत रहे, वो दिन हमार बहनी बहुत रोत रहे टैक्सी, बहनी के देख के टैक्सी जिंदगी में हम कबो ऐसा नहीं रोल रहे, लेकिन वो दिन बहनी के आँख में आंसू देख के हम बहुत रोल रही टैक्सी वो दिन, और इसने बहनी की विदाई हो लागल, और बहनी अपने आप के रोक नहीं सकल टैक्सी। जब हमार लगाए कहला दाजू बहुत हमके विदा करे कह रहे ना, अब तो हम चाहते हैं हाँ दाजू अब मैं चिट के भी है, और टैक्सी इतना बात सुनते भर में हम रो दे ले, और हम खाली बहने ऐसा ना कह के हम जाते हैं, बस ये कह के दाजू हम फिर आए, फिर हमारे के झगड़ा करेंगे मस्ती करेंगे, और टैक्सी पहले लगन रुवे और बैठक विदाई हो लागल देख जे।
वैसे ठीक से बहनी विदा होके चल गई, लेकिन कहल जला कि घर के कर्जे को सामान हेरा सा तो आदमी बहुत खोजेला कि सामान कहाँ बाटे। और हमार बहनी तो हमार जिंदगी के हिस्सा रहा, हमार खुशी रहा, ओकर गले के बाद हम बहुत मायूस हो गए। ठीक से हमसे खेले कूदे वाला कोनो ना रह गए, हमके धासु खाए वाला कोनो ना रह गए। हम के बहनी कहते एक हफ्ता ले हमार बढ़िया से खाना नहीं घोटेल। बुआ कहना कभी तुहिन तो कहले कि परंपरा हो समाज के एक वाहिक पर भी करी ना, फिर कहे रो तड़े तू। और हम कहे बुआ बहनी बहने बहनी कैसे हम भूलब, कैसे रह बहनी बिना। हम कहूँ साउथ रही तो बहनी दाजू दाजू कहत रहे, कहीं शायद बहनी हमकी चिटकाए मजाक करे मारे आवत रहे हमके। अब कहा हुए हम के ठी बहनी लान दे, हाँ बुआ हम के ठी बहनी लान दे। ठीक से बुआ कहना कभी तू इतने सोच कि तुर बहनी विदा भल तू इतना रोत रहे, लेकिन तुर शादी में भी केहू बहन तो विदा भल हो यहाँ आयल हो, वो लोग के ना रोल हो कितना रोल हो। आखिर वो लोग तो दिल पे पत्थर रख के जिया था ना, आ कभी ना रोए के ना रो कभी। दुनिया के रिवाज हो, ये रिवाज में क्यों परिवार की खुशी मिलाला क्यों परिवार की गम। पल भर में बेटी पराया हो जाना, और आज हमार बेटी भी विदा हो गए और पराया हो गए। और हम खाली नहीं बुआ हमार बहनी पराया ना आ फिर आई हमार बहने फिर आई हमार बहने। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। और ऐसे टैक्सी समय बीतत गए के बाद एक दिन के बाद हो सुने ना कहना कभी अगर कबले नाराज रह तो बहन रहना विदा हो गए ना हम बुद्ध केहू घर से आयल बड़े ऐसा नाराज नहीं हो गए। और टैक्सी हमार नाराज की कम नहीं होते रहे और इसने हमें किनारे जाकर बैठल रही सुने ना है ना हमार लग बैठ गए ना और कहना कथे करत बड़ा हो। और टैक्सी हम चुप रही और हमार लगे और ये सट के बैठ गए ना कहना बताओ ना कथे करत बड़ा। और हम कह लिए कुछ नहीं। और टैक्सी हमके पकड़ के कहना बताओ ना कथे करत बड़ा तू, हम कह लिए कुछ नहीं करते हैं। और इसने हम उठ के जाए लगले और हमारे हाथ पकड़ लाना कहना आज तो अपन जिद पूरा करवे करम। और हम कहले कथे जिद और कहना तू कहे हम की मुड़ के देखा लाना है। और हम कहले दिन रात निहारत नहीं रहम। और कहना हम दिन रात निहारे थोड़ा कहते हैं जहे से बहनी विदा भैल बना तहे से हमसे बढ़िया से बोलते नहीं बड़ा तो का हो गल तो होके। और हम कहले हमके कुछ नहीं भैल बाटे बस इसने हमके पकड़ के कहना चलन घरे चले के। और हम कहले नहीं हमके अकेले छोड़ दा मेरा। और टैक्सी हमार बात के नहीं मानत रहना और हम हमार कहना माना सुने ना सुने ना हमके छोड़ दा हमार कहना माना तो हमके अकेले रह दा प्लीज। और टैक्सी सुने ना तो कहाँ छोड़े वाला चैना न लूटा सुने ना हो हमरा नैना के चैना न लूटा सुने ना सुने ना मान हमार कहना हमरा नैना के चैना न लूटा सुने ना मान हमार कहना हमारे कहना
जी, समय बीतत गया और दिन भी बीतत गया। एक दिन के बाद हो हम गए हले काम में और घरे सुनैना और रामा बुआ से झगड़ा होत रहे और संझा कैली सुनैना हमके लग्न बोले कि तू मर मर के काम करत वाला आई लोगन घरे बैठ के खाता ना ऐसा सब ना हुए। हम कहली भैल का बतावन तो सुनैना कहा ना देखा ना हमार छोरी घटल रहे कि ने कहले तो घरों पैसा बाटे तब उन्हें धना को ले अब तो ही बतावा तू काम में चल जात वाला तो का हम काम में मांगे जाए। और टैक्सी हम कहे बुआ का भेल बुआ कहा ना देख बाबू वो पैसा मांगे मांगलक इमे गलती हमारे ना आई बाटे लेकिन कहली जा रुक जो पैसा के देख बाटे यदि ना आए हैं तू पैसा के तू अपन सामान किन ली है लेकिन उतने पर रिसिया गए। और टैक्सी हम कहे अच्छा बिहान किना जाए ना ही किनारे देते। और टैक्सी ऐसे सुने ना रिसिया के किनारे हो गए ना लेकिन दिन प्रतिदिन सुनैना के मुँह फूलते जाते रहे और सुनैना लास्ट में आके हमसे लग्न कहे कि कभी चल हमन कल के आ जा जा। और ठीक से उस समय हमारे दिल के बहुत धक्का पुगल कि हम का करें और ये विषय में बुआ से बात कर लिए। बुआ कहना कभी तू हमार बेटा हले और हम तोर बाप हमन की रिश्ता केना गहरा बाटे तो के मालूम बा लेकिन ये तू जन बात के लिए एकर में अलग्याल कितना उचित बा और साथ में रहल कितना उचित बा तू समझदार बड़े बेटा तो खुद ही विचार कर। और ठीक जी बुआ और से भी कुछ खास निर्णय ना हो पैलक और हम सोचा के लिए और एक दिन सुनैने के लिए नहीं हरे के लिए उनकर और उनकर अमा बुआ लगना कहे कि बाबू देखा तू अलगिया छी बता हम लोग खेत उत बाटे ओ मिस्ती आज तुहके और अपने किनारे रहिया लगन बढ़िया से खैया जी हाँ आखिर में तुहार परिवार में कमी का बा तुहार परिवार में सब कुछ बढ़िया बा कुशल मंगल बाटे अब देखा तोहर अपन परिवार एठो नया बने तोहरा संतान हुई हैं तू लोगों की कैसे जिएबा हमेशा यदि वो पूरे परिवार के ख्याल करबा तो ये परिवार के ख्याल की करे। और ठीक जी उस समय हमारे मथी मार गए है और हम वो दिन सारा लोगों की बात सुन के घर आए और हम अलगिया एक फैसला के लिए ठीक जी और यहाँ जड़ जमीन में से अपन पखरा भी ले लिये और अलगिया की एक किनारे हो गई ठीक जी ऐसे ठीक जी अलगिया हम खाए जिए लगे पहले के जैसे फिर काम करे लगे लेकिन जौन हमार भाग के खेत मिलल रहे परिवार में से वो खेत हम अपन बुढ़िया के नाम के ला ले सुनैना के और सुनैना के बुआ सुनैना के भरमा के अपन नाम करा लेना खेत लेकिन ये बात हमके मालूम नहीं रहे टैक्सी और इसने सुनैना के वो बहनी भी रहना सुनैना के बहनी भी आ रहा है एक दिन और हमन के वही ब्याह वाला घर में करावत रह जा काम और बड़ा बढ़िया धूमधाम के साथ ब्याह भैल ब्याह रैली के बाद वो जो हमार खेत रहे सुनैना के नाव के लाली और जो सुनैना के नाव से भरमा के उनकर बुआ आपा नाव कह देना वो खेत अपन नाम में से हटा के सुनैना के छोटकी बहनी के नाम कह देना। और ठीक जी एक दिन की बात हो इकुल के बाद हमके कुछ नहीं मालूम रहे हमके कुछ पैसा का आवश्यकता पड़ल उस समय हम सोचली कि अपन बुआ से नहीं मांगे सकम और हम
सुनैनक बुआ से भी नहीं मांगे सकब, बल्कि एक कोला बेच के हम अपन काम चला लें और टेक जी खेत बेचे की खातिर हम एक दिन लकड़ी सलाह करें सुनैना से, और सुनैना सोचा कि ना टेक जी और हम कल सुनैना का भैल सुनैना कहना वो खेत के लाल पुर्जा तो हम अपन बुआ के नाम पर कह दे ले ली, और टेक जी हम खाली तो कहे अपन बुआ के नाम पर कह ला तू तो के मालूम भाई खेत हमारा हम तुम्हार नाम कह ली कि तू सुनैना ही का कह ला तू, और ठीक जी उनकर बुआ लग हम गए उनकर बुआ कहा था ना बाबो वो खेत तो हम छोटकी बहनी के नाम पर कह दिले बिया भैलू घरे गए, और हम टेक जी बहुत परेशान हो गए और परेशान हो के आख हम सुनैना दो तीन झापड़ मार दिले टेक जी कि सुनैना तू कैसे नहीं करे जो कर रहा कहे तू ऐसा कहला हम कहाँ जाए पैसा ले है, और ठीक से सुनैना रोवत गावत अपन बुआ लगे ना पैसा मांगे, और उनकर बुआ कहत बाड़ा हम कर्जी खुद दबल बाड़ी हम कहाँ से पैसा दे तुके पैसा नहीं बाटी, और ठीक से बहुत परेशान हो गए हम पैसा ना भले से हमार काम रुक गए है, और यार सुनैना सारा खेत एर ओर कह दिले ना, और ऐसे एक दिन हम घरे मायूस होकर बैठल रही सुनैना कहना नाराज ना हो खा सब बढ़िया हो जाए, और हम कहीं का बढ़िया हो जाए बताओ ते का बढ़िया हो ये, अरे चौन हो एक रहे बढ़िया वो और बेकार कह दिला तू का बढ़िया हो ये अब, सुनैना कहना चिंता ना करा अपन बुआ कह के हम खेत बेचवा दे अपन और तुहार काम हो जाए, और हम कहली वाह जौन मनी खुद कर्जी से दबल बैठे जौन मनी हमके 20,000 रुपया नहीं दे पैलस वो मन हमार दिए खेत बेची ना कितना विश्वास हो अपन बुआ पर तो के, अरे इससे बढ़िया हमार परिवार रहल, और टेक से एक दिन छोटकी भाई हमार भेटायल और ओके हम अपन सारा समस्या बता दे ले, और भाई वो जाके बुआ सब बात कह दिला कि दाजू कैसे ऐसा समस्या बाटे, और टेक से खाल चला कि हम बुआ तो साक्षात पर परमेश्वर है ना, और बुआ तुरंत बैंक में से निकाल के 20,000 के ठाव में 30,000 पठवा देना हमके, और टेक से भाई पैसा ले ले आयल घरे हमार, और हम कहे अरे कैसन पैसा, और कहा दाजू हम बुआ जाग सब कह दिल हली और ये बुआ पैसा पठवाए ना, और टेक से वो दिन हमार आँख खुल गए कि दुनिया में कहूँ भी हम जाएं कहूँ कुछ करें लेकिन माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं वाला क्यों नहीं वाला क्यों नहीं वाला। नवो महीना लाखों दुर्गति सहे दर्द दुख पीरा जान पे जोखिम उठा के माई जन्मावे लिया पनहीरा हो बाबू अपने ललन के खातिर बन के पालन हार बेटा के हर खुशी पे आपन सब कुछ करे निसार माई धरती ओ माई धरती पिताजी आसमान होला इन्हीं से सबके पहचान माई धरती पिताजी आसमान होला इन्हीं से सबके पहचान कर्जा उतरी ना बेचलो ते अपना आपके जन भुलैया जन भुलैया ए भाई माई बाप के 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 टैक्सी सुनैना के लिए आग हम
फिर वे घर में चले ले और उतना खेत हमन के धेले के बाद भी हमारा मबुआ कुछ नहीं बोलना और कहना। देख कभी जिंदगी रही तो उसने खेत बहुत गिनाए, चिंता ना कर सब समय हो, उस समय में तू नहीं बुझले लेकिन आज के समय तो के बुझादा लग, वही से चिंता ना कर बेटा सब बढ़िया हुए और ठीक से फिर हमन के पहले के जैसन जिए खाए लगली जा और रह लगली जा। और हाल के समय में जना खेत हम पहले ले बखरा में उसे ज़्यादा खेत किन ले बाड़ी टेक से परिवार में ही रह के वो सब खेत बाटे आमा बुआ के नाम पर और एक दूसरे के साथ में रह के जिंदगी चल रहा बाटे हमन के टेक से चल रहा बाटे। कहल चला कि दुनिया में कहूँ चल जाए जा कहूँ घुमाल जा लेकिन आमा बुआ जैसन माया प्रेम करे वाला और आमा बुआ जैसन निस्वार्थ भाव के आदमी कहीं नहीं मिले हैं। और कभी से अपने भी जिंदगी में काका नहीं खेली जा लेकिन चारों ओर से ठोकर खा के लास्ट में अपने ही आमा बुआ के द्वार खटखटाए के पड़ल। ऐसे हो जिंदगी का पता यदि अपन आमा बुआ के साथ में नहीं रहती जा तो आपकी खुशी दोबारा लौट के आवत कि नहीं आवत इधर आम जाने। आदरणीय श्रोता ए रात्रिकालीन प्रहर में अपने सुनत बैठे जा चिमन टोलो बरगदवा से प्यार के इतिहास लिख के पढ़े ना कवि राज्य के प्यार के इतिहास भाषण करी जा। विशेष धन्यवाद वहाँ के दीवाल जी, धन्यवाद आपके दीवाल जी प्रोग्राम सन के साथ दे जा और इसने आपके जिंदगी में भी ऐसा पारिवारिक समस्या आ सकेला समय में ही ख्याल कर रहा जी और इसने हमारा आवाज आपके रेडियो सिर तक पुगा के साथ देना हमन के प्राविधिक दोस्त सूरज जी के विशेष धन्यवाद देत हम आप सबके निरंतर के दोस्त आरजे टेक। आज के कार्यक्रम प्यार के इतिहास से विदा मांगत बारे जयराम जी के नमस्ते शुभरात्रि। माई बाप के दिल जब तो से दुखाई तोहरो भी बेटा एक दिन तोहके रुआई तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के जन भुलैया जन भुलैया हे भाई माई बाप के जन भुलैया हे भाई माई बाप के कौनो तीरथ बरत नहीं कैला के काम हा माई बाप के सेवा में ही चारो धाम हा कौरव सौगो बेटा रहले मुअले अभिमान से एगो बेटा सरवन मन ले माई बाप के जान से असर बहुते बड़ा होला इनके श्राप के असर बहुते बड़ा होला इनके श्राप के जन भुलैया जन भुलैया हे भाई माई बाप के जन भुलैया हे भाई माई बाप के।